नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। मनोकामना के कदली पत्र यानी कि केले के पत्ते, यूं तो शास्त्रों में केले के पत्ते को बेहद ही शुभ माना गया है, लेकिन आज अपनी इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि कैसे केले के पत्ते पर रक्त चंदन से संबंधित देवता का यंत्र बनाकर एक छोटे से मंत्र से अभिमंत्रित कर दिया जाए तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। तो कौन से है वो यंत्र और कौन से है वो मंत्र, ये बताने के लिए हमारे साथ है महायोगी सतेंद्र नाथ जी। सतेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। हम योगी जी से जानेंगे इसके बारे में कि केले के पत्ते का महत्व क्या है और उससे कैसे पूजा की जाए, लेकिन आखिर महत्व क्या है केले के पत्ते का, ये पहले जान लेते हैं। हमारे जीवन में पेड़ पौधे संस्कार से लेकर संस्कृति तक में शामिल हैं। कोई पेड़ पौधा औषधीय गुण रखता है तो कोई आध्यात्मिक महत्व। वास्तु शास्त्र में भी पेड़ पौधों का विशेष महत्व माना गया है। जब इन पेड़ पौधों के द्वारा आप और हम कुछ छोटे छोटे उपाय कर जीवन की तमाम परेशानियों को दूर कर सकते हैं, उससे निजात पा सकते हैं। ऐसा ही एक पौधा है केले का पौधा, जिसे हिंदू धर्म में काफी पवित्र माना जाता है और कई धार्मिक कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। कहते हैं केले के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु का वास माना गया है, जिसके पूजन से भक्तों को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। केले के पौधे को शुभ व धन संपन्नता का प्रतीक मानते हुए घर के प्रवेश द्वार व शादी ब्याह के मंडप आदि को सजाने के काम में लाते हैं। इसके पत्तों पर भोजन रखकर ग्रहण करने से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, गुरुवार को देवगुरु बृहस्पति की पूजा में केले के वृक्ष की पूजा का महत्व है और बृहस्पति की पूजा न केवल वैवाहिक दोष बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में दक्षता, समृद्धि और शांति देने वाली मानी गई है। ऐसे में आप भी जानना चाहते होंगे कि कैसे केले के पत्ते पर चंदन से अपने इष्ट देव का यंत्र बनाकर आप अपनी समस्त मनोकामनाओं का पूर्ण करने का आशीर्वाद पा सकते हैं, कैसे केले के पत्ते से एक छोटी सी पूजा कर कुछ मंत्रों का जाप कर अपनी सोई किस्मत चमका सकते हैं, तो केले के पत्ते पर 9 यंत्र, 9 देवता और उनके 9 मंत्रों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं भैरव यंत्र की। योगी जी, केले के पत्ते पर भैरव यंत्र कैसे बनाया जाए, बिल्कुल ये बताइए हमें। भैरव यंत्र समस्त शत्रुओं का नाश करने वाला यंत्र माना जाता है। यदि शत्रुओं ने परेशान कर रखा है, दिन व दिन शत्रुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है और आप शत्रुओं से परेशान हो रहे हैं, तो शनिवार के दिन केले के साफ पत्ते पर पहले पत्ता लेकर उसे आप शुद्ध जल से साफ करके फिर उस पर सुखाकर भैरव यंत्र को निर्मित करें। तो यंत्र निर्माण के लिए आपको स्याही बनानी पड़ेगी। तो रक्त चंदन, केसर, हल्दी और शहद को मिलाकर ही आप स्याही तैयार करेंगे और इस स्याही को तैयार करने के बाद पत्ते के दाहिनी तरफ आपको यंत्र का निर्माण करना है। जो आपका बड़ा सा पत्ता होगा उसके दाहिने एक हिस्से पे आप यंत्र बनाएंगे, जो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। उस यंत्र के निर्माण के बाद जब वो पूरा यंत्र आपका बन जाएगा तो धूप दीप इत्यादि दिखाकर पंचोपचार पूजन उस यंत्र का आप उसी पत्ते के ऊपर, केले के पत्ते के ऊपर करेंगे, क्योंकि ये केले का पत्ता समस्त देवताओं का प्रतीक होता है, इसलिए उससे श्रद्धापूर्वक प्रणाम करना चाहिए और फिर यंत्र का निर्माण करना चाहिए। फिर एक नींबू अर्पित करना चाहिए, वो भी बिना कटा हुआ, वहीं आप उसे पत्ते के साथ उसे स्थापित कर दीजिए और फिर मंत्र का जाप कीजिए। ओम हुम उग्र भैरवाय नमः, ओम हुम उग्र भैरवाय नमः। इस मंत्र से यंत्र के सामने बैठकर आप 7 बार मंत्र का आप मानसिक रूप से जाप करें। देखिए, इसमें आपको माला नहीं लेनी है, केवल बैठना है, हाथ जोड़ना है और कम से कम 7 बार, लेकिन अधिक से अधिक आप पर निर्भर करता है कि आप कितने मंत्र का जाप करेंगे। अब इस पत्ते पर आप अपना भोजन, जो आपका दैनिक भोजन है, उसे रखकर इष्ट का ध्यान करते हुए पहले उनको प्रसाद निवेदित कीजिए, फिर शांत भाव से पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप भोजन करेंगे तो इस भोजन को प्रसाद रूप में ग्रहण करने से भैरव समस्त शत्रुओं का नाश करते हैं और इसे आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान और साधारण उपाय माने जाते हैं। तो भैरव स्थापना जो नियम है वो तो हमने जान लिया, विष्णु यंत्र की स्थापना केले के पत्ते पर करने से
क्या मनचाहा वरदान मिल सकता है, उसका नियम क्या है? बिल्कुल, जो विष्णु यंत्र है ये मनचाहा वर देने वाला है। तो मनचाहा यदि आपके मन में विवाह की कामना है या फिर प्रेम प्राप्ति की चाह है, तो आप किसी से प्रेम करते हैं, आप चाहते हैं कि वो भी आपको प्रेम करे, तो श्रद्धापूर्वक भगवान से प्रार्थना करते हुए मंगलवार के दिन ये प्रयोग किया जाता है। केले का पत्ता आप लेकर के आएँ और उसके एक हिस्से में विष्णु यंत्र का निर्माण आपको करना है। और यंत्र निर्माण के लिए भी आप स्याही उसी प्रकार पवित्र स्याही बनाएंगे, रक्त चंदन केसर हल्दी और शहद को मिलाकर ये स्याही तैयार होती है। आप हर किसी स्याही का प्रयोग नहीं कर सकते, ये शास्त्रोक्त पद्धति है, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो पत्ते की दाहिनी तरफ आप यंत्र का निर्माण करेंगे, जो यंत्र आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इसी यंत्र के एक एक जो अंक हैं, अंकों का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि यदि अंक लिखने में आपसे गलती होती है तो ये आपके संपूर्ण यंत्र को खराब कर सकता है, इसलिए यंत्र बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यंत्र निर्माण के बाद धूप दीप आप दिखाएं, कुछ कौड़ियाँ विशेष तौर पर इस यंत्र के निकट आपको रखकर अर्पित करनी होती है, और फिर आप अपना मंत्र का जाप करेंगे। आपका मंत्र है ओम ह्रौं विष्णवे नमः, ओम ह्रौं विष्णवे नमः। तो आप अपना आसन बिछाकर यंत्र के सामने बैठकर मानसिक रूप से इस मंत्र का या मौखिक रूप से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, और उसके पश्चात इस पत्ते पर ही भोजन रखकर इष्ट को निवेदित करके शांत भाव से उत्तराभिमुख होकर भोजन करने से, प्रसाद ग्रहण करने से अवश्य आपकी ये मनोकामना पूर्ण होती है और प्रेम प्राप्ति भी जीवन में संभव हो पाती है। जी सतेंद्र जी, गजानन यंत्र की स्थापना से केले के पत्ते पर बिल्कुल कौन से मनोकामना पूरी हो सकती है और उसका नियम क्या है? वैसे तो हर कार्य की शुरुआत गजानन से ही होती है, हर चीज का शुभारंभ आप इन्हीं से कर सकते हैं और इनकी साधना से। तो यदि आपको योग्य संतान की कामना है, आप चाहते हैं कि आपकी संतान आगे बढ़े, उनके जीवन में जो नकारात्मकता है, वो आपकी बात नहीं सुनते या गलत मार्ग पर जा रहे हैं, संस्कारित नहीं है, तो उनके निमित्त आप ये प्रयोग कर सकते हैं। तो रविवार के दिन केले के एक साफ पत्ते पर आप गणपति यंत्र का निर्माण करें। यंत्र निर्माण के लिए चंदन केसर हल्दी और शहद को मिश्रित करके स्याही बनाएंगे और उसी तरह से दाहिने भाग में आपको यंत्र का निर्माण करना है, और श्रद्धापूर्वक गणपति का ध्यान करते हुए जो गणपति यंत्रम है, इस प्रकार से आपको एक एक अंक को उसी प्रकार से बनाना है। बहुत ही साधारण यंत्र है, आप स्क्रीन पर इसे देखेंगे कितना ही सुंदर यंत्र आपको ये नजर आ रहा है और बहुत ही सरल। तो धूप दीप दिखाकर इस यंत्र को निर्मित करने के बाद पंचोपचार पूजन कीजिए। विशेष तौर पर सफेद रंग के पुष्प अर्पित करने का विधान है, तो आप उसे अपने इष्ट के लिए निमित केले के पत्ते के पास यंत्र के समीप रख दीजिए। फिर मंत्र साधना, आपका मंत्र है ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। तो यंत्र के सामने बैठकर 7 बार कम से कम, अधिक से अधिक आपकी इच्छा है, मानसिक रूप से इस मंत्र का जाप करेंगे और फिर इसी पत्ते पर भोजन रखकर महागणपति को निवेदित कीजिए और शांत भाव से पूर्व दिशा की ओर मुख रखकर अपना प्रसाद ग्रहण कीजिए, तो आपके संतान आगे बढ़ती है, अच्छे रास्ते पर जाती है, और स्वयं यदि आपको भी लगता है कि आपके अंदर कोई गलत आदत पैदा हो रही है तो इस प्रयोग को करने से वो आदत भी रुक जाती है, स्तंभित होती है। चलिए कुबेर यंत्र की बात करते हैं, कुबेर तो वैसे धन के देवता ही माने जाते हैं, तो केले के पत्ते पर रखने से क्या धन की प्राप्ति हो सकती है? हाँ बिल्कुल, जो कुबेर यंत्र है ये बहुत ही श्रेष्ठ यंत्र है, और वैसे भी कहा जाता है कि कुबेर स्वयं भी भोजन करते हैं तो केले के पत्ते पर, ये कहावत है, कौलाचार की कहावत है। तो इसी तरह से आप यदि नया वाहन खरीदना चाहते हैं या नई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए ये प्रयोग है, बहुत ही श्रेष्ठ प्रयोग है, कि बुधवार के दिन आप एक साफ केले के पत्ते पर उसके दाहिने हिस्से पर आपको कुबेर यंत्र का निर्माण करना है। उसके लिए स्याही उसी प्रकार रक्त चंदन केसर हल्दी और शहद से आप स्याही तैयार करके, और इससे एक अनार की कलम से या आप बांस की पतला बांस, जिसको मादा बांस कहते हैं, क्योंकि पुरुष बांस जो मोटा बांस है वो निषिद्ध माना जाता है, तो मादा बांस से की लेखनी से आप इस यंत्र को बना सकते हैं, अथवा आप किसी भी पेड़ की टहनी से इसे बना सकते हैं। यंत्र आपको दिखाया जा रहा है, ये यंत्र है। तो इस यंत्र को बनने के बाद धूप दीप दिखाकर पंचोपचार पूजित करके इसे प्रतिष्ठित कीजिए। फिर पानी वाला एक नारियल लेकर के उसे वहीं पर अपने केले के पत्ते के समीप रखकर अपने मंत्र का जाप कीजिए। आपका मंत्र है ओम हसौम पीत कुबेराय हुम, ओम हसौम पीत कुबेराय हुम। ये बहुत ही दिव्य मंत्र है भगवान कुबेर का। यंत्र के सामने बैठकर मानसिक रूप से 7 बार इस मंत्र का आप जाप कीजिए और इस पत्ते पर भोजन रखकर इष्ट देव को आप निर्मित कीजिए और शांत भाव से उत्तर दिशा की ओर मुख रखकर के आप भोजन करेंगे और कुबेर भगवान का करेंगे, तो अवश्य आपको संपत्ति वाहन भूमि इस प्रकार के सब सुख मिलते हैं। जी हनुमान यंत्र की अगर बात कर ली जाए तो उसका महत्व क्या है और कैसे स्थापना की जाए? जो हनुमान यंत्र है ये मुकदमों में विजय प्राप्ति के लिए विशेष माना गया है, और इसका प्रयोग है कि मंगलवार के दिन एक साफ केले के पत्ते पर आप हनुमान यंत्र का निर्माण करेंगे। उसी प्रकार रक्त चंदन केसर हल्दी और शहद को मिलाकर स्याही तैयार कीजिए।
पत्ते के दाहिने भाग में यंत्र को विधिपूर्वक बनाइए और जब आपका ये दिव्य यंत्र बन जाए यथारूप, फिर पंचोपचार पूजन धूप दीप इत्यादि दिखाकर इसका पूजन करके काली मिर्च के कुछ दाने एक पात्र में रखकर अर्पित कीजिए और फिर अपनी मंत्र साधना कीजिए। आपका मंत्र है ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। तो यंत्र के सामने बैठकर मानसिक रूप से 7 बार मंत्र का जाप करना है और इस पत्ते के ऊपर भोजन रखकर हनुमान जी को निवेदित करके शांत भाव से दक्षिणाभिमुख होकर के आपको भोजन करना है। केले के पत्ते पर भगवान जी, हाँ, केले के पत्ते पर कौन से यंत्र की स्थापना से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है बता रहे हैं योगी सतेंद्रनाथ जी। अग्नि यंत्र की बात की जाए अगर, तो कैसे स्थापित किया जाए और कौन सी मनोकामना वो पूरी करेंगे? अग्नि यंत्र बुद्धि विद्या और प्रतियोगी परीक्षाओं में, किसी भी और तरह की प्रतियोगिताओं में सफलता के लिए ये विशेष यंत्र है। तो गुरुवार के दिन एक साफ केले के पत्ते पर अग्नि यंत्र का आपको निर्माण करना है और यंत्र निर्माण के लिए रक्त चंदन, केसर, हल्दी और शहद, इसी प्रकार से ही आपको स्याही बनानी है और इस स्याही को भी किसी अच्छे पवित्र पात्र में ही रखना है। तो वैसे तो शास्त्रोक्त विधान है कि चांदी के पात्र में, लेकिन आप तांबे के पात्र में भी स्याही को रख सकते हैं। तो फिर इसी स्याही से आप केले के पत्ते के दाहिने भाग में दिव्य यंत्र का निर्माण करेंगे। बहुत ही सहज यंत्र है, इस यंत्र को आप देख लीजिए और इसी प्रकार से आप निर्मित कीजिए। फिर धूप दीप दिखाकर चंदन विशेष तौर पर आपको अर्पित करना है। तो चंदन को घिस कर एक पात्र में रख कर अर्पित किया जाता है और फिर अपनी मंत्र साधना, मंत्र है ओम अम अग्ने नमः, ओम अम अग्ने नमः। इस प्रकार यंत्र के सम्मुख बैठकर मानसिक रूप से 7 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। अब इसी पत्ते पर भोजन रखकर अग्नि देवता को निवेदित करते हुए शांत भाव से पूर्वाभिमुख होकर भोजन करने से अग्नि देवता तेज देते हैं, बल देते हैं, सामर्थ्य देते हैं और आपकी सकल मनोकामनाओं को भी साथ ही साथ पूर्ण करते हैं। जी, केले के पत्ते पर शिव यंत्र की स्थापना करने से कौन सी मनोकामना पूरी होती है? जो शिव यंत्र है ये अमोघ यंत्र है, महामृत्युंजय यंत्र की भांति ही समस्त रोगों का नाश करने वाला, उत्तम स्वास्थ्य को प्रदान करने वाला, अकाल मृत्यु का हरण करने वाला ये यंत्र माना गया है। तो शुक्रवार के दिन एक साफ केले के पत्ते पर इस शिव के दिव्य अमोघ यंत्र का आपको निर्माण करना चाहिए। यंत्र निर्माण के लिए शुद्ध स्याही, रक्त चंदन, केसर, हल्दी और शहद से आप तैयार कीजिए और फिर पत्ते के दाहिने भाग में आपको इस दिव्य महादेव के यंत्र का निर्माण करना है और इस यंत्र को आप यथारूप बनाइए जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है। एक एक अंक को आप उसी सावधानी से लिखेंगे जिस प्रकार से आपको दिखाया जा रहा है। जब यंत्र पूरी तरह से बन जाता है तो फिर पंचोपचार धूप दीप अक्षत नैवेद्य इत्यादि अर्पित करके यंत्र पर दही से छींटे आपको देने चाहिए। तो आप उसके लिए दूव का अथवा दुर्वा का प्रयोग कर सकते हैं छींटे देने के लिए, या पंचपात्र की आचमनी का प्रयोग कर सकते हैं। फिर अपनी मंत्र साधना ओम सांब सदाशिव वाय नमः, इसी मंत्र से यंत्र के सम्मुख बैठकर मानसिक रूप से 7 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है और केले के पत्ते पर भोजन रखकर इष्ट को निवेदित कीजिए। शांत भाव से पश्चिमाभिमुख होकर आप भोजन कीजिए और साथ ही साथ अपने मन में अपने इष्ट को स्थापित करते जाइए तो अवश्य ये मनोकामना भी तत्क्षण पूर्ण होती है। जी, केले के पत्ते पर अगर श्री राम यंत्र की स्थापना कोई करना चाहे तो उसका नियम क्या है, मनोकामना कौन सी पूरी होगी? श्री राम यंत्र बहुत ही दिव्य यंत्र है, ये यंत्र भी बहुत ही श्रेष्ठ यंत्रों में से एक यंत्र माना जाता है। समस्त ऋणों का नाश करने के लिए, नए रोजगार की प्राप्ति के लिए और ईमानदारी से अपने जीवन को हर संकट से उस पार ले जाने के लिए इस यंत्र को अमोघ यंत्र माना गया है। तो सोमवार के दिन एक साफ केले के पत्ते पर श्री राम यंत्र का आपको विधि पूर्वक निर्माण करना है और यंत्र निर्माण के लिए रक्त चंदन, केसर, हल्दी और शहद की स्याही तैयार करके केले के पत्ते के दाहिने भाग में इस यंत्र का निर्माण कीजिए। याद रखिएगा, पत्ते सिर्फ केले के होंगे, ये यंत्र यदि आप किसी दूसरे पत्ते पर बनाते हैं तो ये कार्य नहीं करते। तो इस प्रकार जब आपका यंत्र बन जाएगा तो धूप दीप दिखाकर आप इसी प्रकार शहद अर्पित करेंगे एक पात्र में रख करके, फिर अपनी मंत्र साधना कीजिए ओम रोम रामाय नमः। और ये मंत्र दूसरे ग्रंथों में ओम रम रामाय नमः यानी प्रत्यंतर इस प्रकार से मंत्र है। तो आप ओम रोम रामाय नमः, ओम रम रामाय नमः, इसमें से किसी भी एक मंत्र का चयन कर सकते हैं। तो यंत्र के सम्मुख बैठकर मानसिक रूप से 7 बार आप मंत्र का जाप करें और इस केले के पत्ते पर प्रसाद रखकर अपने इष्ट को निवेदित कीजिए और शांत भाव से उत्तर दिशा की ओर रख करके प्रसाद ग्रहण करने से अवश्य मनोकामना पूर्ण होगी।